डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल को, उनके रिस्पेक्टिव डीएनए प्रोफाइल को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं। इसको डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए टेस्टिंग एंड डीएनए टाइपिंग, तो बहुत सारे नाम होते हैं, प्रोफाइलिंग, टेस्टिंग, टाइपिंग, डीएनए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन मैपिंग एंड जीनोग्राफी, तो उसके काफी नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नाम याद करने हैं हमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्टिंग एंड डीएनए टाइपिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जीन मैपिंग एंड जीनोग्राफी। तो जो अलीस्ट क्रिमिनल्स हैं उनका हम जीन मैच कर सकते हैं क्राइम सीन से या अगर किसी की बॉडी से, तो हम इसको अलीस्ट क्रिमिनल को मैच कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्निक से। तो पता है कि अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, 3×10^9 बेस पेयर होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम डीएनए स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्या होता है उनका जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ATGC का जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है, इससे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पता लगा पाते हैं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग सबसे पहले किसने इसे क्या कहते हैं, इसे किस पास पहले रिपोर्ट किया था, सर एलेक जेफरीज ने, कहां पे, 1984 में इंग्लैंड में सर एलेक जेफरी ने डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक को 1984 में फर्स्ट टाइम दिया था। एंड इंडिया में अगर देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कहां कहां रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहां है, यहां पे हैदराबाद में, तो यहां पे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। फिर हैदराबाद में एक और इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी हैदराबाद में, तो सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी हैदराबाद में है। फिर न्यू दिल्ली में एक सेंटर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये दिल्ली में है। फिर दिल्ली में एक और इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसर्च। तो हमने चार इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट देखे जेनेटिक के लिए, जेनेटिक से रिलेटेड, एक है, दो है दिल्ली में, एक है ये ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, तो ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसर्च, तो ये प्लांट से रिलेटेड दो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंटर फॉर ड्रग फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों हमारे मिलेंगे हैदराबाद में एंड ये दोनों इंस्टीट्यूट है हमारे दिल्ली में। तो अब हम तीन टेक्निक्स को पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक्स। सो ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या होती है, तो हमारे तीन टाइप की ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती है, एक होती है सदर्न, एक होती है नदर, एक होती है वेस्टर्न। तो सदर्न ब्लॉटिंग में हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें हम डीएनए एंड नदर्न ब्लॉटिंग में आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन। तो सदर्न डीएनए, नदर्न आरएनए एंड वेस्टर्न में प्रोटीन, ये होती है तीन ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इंडिया में बात करें तो इंडिया में कौन इंपॉर्टेंट है इस डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए, ये है प्रोफेसर लालजी सिंह, एंड यहाँ पे सदर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न है डीएनए के लिए, नदर्न है आरएनए के लिए, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ये प्रोटीन के लिए। डीएनए प्रिंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, तो पैटर्निटी एंड मैटर्निटी के बारे में पता चल सकता है कि आपके मदर एंड फादर कौन है, तो फादर आइडेंटिफिकेशन इश्यूज आते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साइंस में इंपॉर्टेंट है, जैसे डीएनए ले सकते हैं हमने ब्लड से, हेयर से, स्किन सेल से एंड जेनेटिक एविडेंस ले सकते हैं, एंड पुलिस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फॉरेंसिक साइंटिफिक टेक्निक का यूज करते हैं क्रिमिनल्स को पता लगाने के लिए। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे क्या होता है जेनेटिक बारकोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमें जेनेटिक बारकोड पता चल सकता है, इट कैन बी यूज एज जेनेटिक बारकोड, जिससे हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड फर्स्ट वन डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, क्या हम सारे डिसीजेस को पता लगा सकते हैं जीन टेक्निक से, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग से? नहीं, ये आंसर गलत था, बिकॉज कुछ ही डिसीज का जो जेनेटिक डिसीज है उनको हम पता लगा सकते हैं। कुछ जेनेटिक डिसीज के बारे में देख लेते हैं, एक होती है सिस्टिक फिब्रोसिस, तो एक होती है सिस्टिक फिब्रोसिस एंड फैमिलियल अल्जाइमर डिसीज। फिर सिकल सेल अमीनिया, ये भी जेनेटिक डिसीज है, सिकल सेल अमीनिया। फिर थैलेसीमिया, फिर एंड इसमें सिस्टिक हीमोफीलिया एंड हंटिंगटन्स डिसीज, ये कुछ जेनेटिक डिसीजेज है।